आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबका सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। रमज़ान का बाबरकत महीना है, जितनी रहमतें और बरकतें आप समेट सकते हैं, जितना कुर्ब इलाही आप कर सकते हैं समेट सकते हैं, जितना आप मेरे रब के नज़दीक जा सकते हैं, इबादात जो है हमें सिखाई गई हैं बताई गई हैं इस ख़ास खैर बरकत वाले महीने के लिए। और आज हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद हैं कलाम के लिए, नात ख्वानी के लिए मोहम्मद फ़ारूक आज़म साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं गुलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब। तो आज के ख़ास दिन की बरकत के हवाले से कुछ कलाम भी हम इनसे फरमाइश करेंगे, और इनका रमज़ान कैसा जा रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड खुश आमदीद, कैसे आप दोनों? वालेकुम सलाम, अलहमदुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है फ़ारूक आपका रमज़ान, कैसा गुजर रहा है? ज़ैन आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ज़बरदस्त। तो वो आगाज़ करते हैं जनाब नात ख्वानी से, क्या कलाम सुनाएँगे ज़ैन आप? कलमा शरीफ। सरदार
बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कब से कलाम पढ़ रहे हैं आप जैन, कितना अरसा हो गया आपको? काफ़ी देर हो गई है पढ़ते हुए। याद नहीं है? काफ़ी देर। बचपन से ही शौक था? जी जी, बचपन से ही शौक है नात खानी का, बचपन से ही करते आ रहे हैं क्योंकि वाले साहब भी करते थे, वाले साहब को देख देख के तो नात खानी का शौक पैदा हुआ। और उस ये हजूर की करम नवाजी है कि उन्होंने इस लायक समझा कि हम उनकी उनका जिक्र कर सके और उनके जिक्र को लोगों तक पहुँचा सके। जबरदस्त। तो अब्बा ने तो फिर बड़ा सिखाया होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है वरना रियासत करनी पड़ती बिल्कुल है। ऐसे ही प्रॉपर बाकायदगी के साथ ना करें तो नहीं पढ़ सकते। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। फारूक आपको कितना अरसा हो गया है? मुझे तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। आपके भी फैमिली में से कोई भाई या कोई वालिद साहब? नहीं, कज़न वगैरह से। कज़न्स करते हैं। अच्छा, तो कौन सा कलाम आज? दुरूद अहले बैत। सुभानअल्लाह। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں فاطمہ
फातिमा जन्नत में फातिमा के कनी से जगह रहे मेरी दुआ है मौला मेरी दुआ है मौला मेरी माँ वहाँ रहे अल्लाह उम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह उम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद पढ़िए अगर दरूद तो पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। बहुत खूब। वैसे तो मेरे आका की शान में कोई भी अशार पेश किए जाएँ तो उसकी क्या ही बात है, कोई मिसाल नहीं दूसरी। लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, आपका फेवरेट फारूक कलाम कौन सा है? मेरा आला हज़रत का कलाम है, सबसे औला वाला हमारा। अच्छा, तो इसके बाद जैन के बाद मेरे ख्याल से इसी की फरमाइश कर लेंगे आपसे। जैन, आपका कौन सा पसंदीदा कलाम है? सभी कलाम। सभी कलाम जी बिल्कुल, क्योंकि उनका जिक्र कोई भी किस हस्ती का किया जा रहा है। सही। तो कोई कभी ऐसा हुआ किसी महफिल में, चूँकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और बहुत सारी महफिलों में आप लोग जाते हैं और अल्लाह ताला की हमदो सना भी करते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार भी पढ़ते हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा मौका आया हो, कोई ऐसा किस्सा वाकया जहाँ बरकत जिस्म पर तारी हो गई हो? काफ़ी जगह पे होता है। अगर दिल से पढ़ा जाए ना, पहली बात है दिल से पढ़ना। अगर आप दिल से पढ़ते हैं तो अगले भी दिल से सुनते हैं, तो फिर उस महफिल का जो वजद होता है वो एक मुख्तलिफ ही होता है, उसका रंग एक मुख्तलिफ ही होता है। बिल्कुल। तो अपनी पसंद का कोई एक और कलाम हमारे कौन सा कलाम रखेंगे नाज़रीन के सामने आज? दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है कि दिल उल्फत बसाने के लिए है और जाना पे की हुरमत पे लौटाने के लिए पे लौटाने के लिए है और दिल कहने लगा करते ही हूँ बदे के दिल कहने लगा करते ही गुंबदे का नजारा के ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है और पैगाम सुनाती है
के पैगाम सुनाती है यही इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। और हम उम्मती उनके हैं तो कह रहे महरूम के हम उम्मती के हैं तो कैसे रहे महरूम के जब उनका करम सारे जमाने के लिए है, जब उनका करम सारे जमाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। बहुत खूब, ज़बरदस्त। फारूक, आप बताइएगा, जब स्कूल में होते थे तब भी कलाम पढ़ने में सबसे आगे होते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो घर में जब होते हैं तब भी या कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फरमाइश होती है वो किस कलाम की होती है? उसका हर कलाम ही जो है वो खूब है, सबसे अल्लाह वाला को होता है, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन पढ़ते हैं। चले हम भी फिर से की फरमाइश करते हैं आपसे। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला से औला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धूला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। और जिनके तल वो का धोवन गया बेगाया, जिनके तल वो का धोवन गया हमारा न
से औला आला हमारा नबी, और गम सदों को रसा मुस्तदी, जेके है गम सदों को रसा मुस्तदी, जेके है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे से बाला वाला हमारा नबी सबसे ओ लाला हमारा नबी। मोहम्मद फारूक आजम और गुलाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, प्रोग्राम का हिस्सा थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो रमज़ान के इस खूबसूरत, इस प्यारे महीने में जो कि अल्लाह ताला की एक अता है, एक रहमत है तमाम मुसलमानों के लिए, इसमें जो कुछ भी आपने इस बार प्रैक्टिस किया, जो कुछ भी आपने अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की, उसको खुदारा रमज़ान के बाद छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये रमज़ान का जो महीना है ये इतनी हमारी बेहतरीन एक्सरसाइज करवा है, जो हम साल के बाकी जो महीने हैं जो हम नहीं कर पा रहे होते, तो इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।